आदित्य खंडूरी ने कुर्द्वार और कांवसलम को जोड़ने वाली सुखौरा नदी पर तैयार पुल का लोकार्पण कर जनता को सौंप दिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम धामी की घोषणा के बाद करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार। काफी समय से प्रशिक्षण इसके लिए वेट इंतजार किया है कोटद्वार वासियों ने, और मुझे बहुत खुशी है कि बाबर भाबर और शहर को जोड़ने वाला एक पुल आज हमने जनता को समर्पित किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उनकी घोषणा के तहत ये बना है। करोड़ 82 लाख के करीबन ये 90 मीटर स्पान का पुल बना है, और मुझे खुशी है कि बना है और अब जनता को समर्पित है। बिल्कुल होगा, देखिए डिस्टेंसेस कम होंगे, जब डिस्टेंसेस कम होते हैं आना जाना बढ़ता है, हवाजावी बढ़ती है, टूरिस्ट के लिए भी आसान होता है आना जाना, तो हर तरीके से जो हमारा कणव आश्रम है या कलाल घाटी है या उस तरफ का भाबर का इलाका है उसमें किसी भी चीज से बनने से फायदा होता है, पुल के बनने से निश्चित तौर पर लोगों को फायदा होगा। मैडम पुल तो बन जाते हैं लेकिन जब बात रखरखाव की आती है तो बड़ी समस्या उसमें आती है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, खराब